बीजेपी ने एनडीए के घटक दलों के बीच मंत्रालय के नाम पर झुंझुना थमाया है और अब बीजेपी अपने घटक दलों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये बात आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है। संजय सिंह ये कहते हैं कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम घटक दलों के मंत्रियों के बीच मंत्रालय के नाम पर झुंझुना थमाते हैं और अब तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। इंडिया गठबंधन ने जो आशंका जताई थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। हम तो इन तमाम दलों को कहेंगे कि अब भी आपके पास वक्त है, आप अपने लोकसभा स्पीकर को सामने रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आपके दल का ही लोकसभा स्पीकर हो और अगर ऐसा नहीं होता है तो संविधान खतरे में आ जाएगा। आपकी पार्टी तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी जिस बिल को लाना चाहेगी वही बिल देश में आएगा। अगर आपके सांसद उस बिल का विरोध करेंगे तो उसे मार्शल आउट कर दिया जाएगा। ये तमाम बातें संजय सिंह मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ऐसी ही प्रवृत्ति है, बीजेपी लगातार विधायक और सांसदों को खरीद फरोख्त करती रहती है और यही इस सरकार में भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही इस बार गठबंधन की सरकार के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये पूरी कोशिश बीजेपी के द्वारा की जाएगी कि टीडीपी या फिर जेडीयू या कोई और भी घटक दल एनडीए में शामिल है उन तमाम दलों को तोड़कर बीजेपी अपने नंबर के आंकड़े को पूरा करेगी ताकि बीजेपी देश में जो चाहे वही होगा। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी बड़े बड़े मंत्रालय अपने पास ही रखी है, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो या विदेश मंत्रालय हो, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ये तमाम मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास रखे और अपने घटक दलों के मंत्रियों को झुंझुना थमाया है। और इस प्रकार से बीजेपी ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं का अपमान भी किया है। लेकिन देर अभी भी नहीं हुई, अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार चाहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान बचा रहे, इस देश का संविधान बचा रहे, तो इन दोनों ही पार्टियों को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि लोकसभा का स्पीकर इन दोनों पार्टी के नेता ही बने। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले समय में इन दोनों की पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इन दोनों ही पार्टी के सांसद को बीजेपी अपने पाले में कर लेगी और सरकार अकेले चलाएगी। आने वाले समय में देश की राजनीति में इन दोनों ही पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।